Hi guys, welcome to my animal lovers blog. Mur blog loi okoloke swagatam janai mur video arambho korisu. Eya aji amar training of first day. Ami training er kane ready hoichu. Aro mur logot ache Shankar da. Namaskar. Hoy aji amar NDTV er prothom training. Ei ami training er jaboloi ami ready hoichu. To amar sathito ei amar training er diye ase. Mur hototo bindu hote loi ase. Molo ane muku bekhan dibo. Ei bekhan loi lo. Ei ami sobe bek palu. इसकी शुरुआत ठीक यही आनंद में 1946 में हुई। स्थानीय निजी डेयरियों द्वारा दूध की कम कीमतों से नाराज खेड़ा जिले के डेयरी किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सलाह मांगी। सरदार ने उन्हें एकजुट होकर सहकारी समिति बनाने की सलाह दी। इसके बाद ही उनका अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा। दो गांव सहकारी समिति बनाने के लिए त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में साथ आए। बॉम्बे सरकार ने संघ को पंजीकृत करने से मना कर दिया। किसानों ने अकल्पनीय कदम उठाए, वे हड़ताल पर चले गए। पहले दिन के दूध के नकाल के बाद बॉम्बे सरकार झुक गई। सहयोग ने अपना लोहा मनवा लिया था। इस तरह भारत की पहली दुग्ध सहकारी संस्था खेड़ा संघ का जन्म हुआ। 1964 में यह छोटा सा सहकारी दूध संघ आंदोलन बन गया था। उसी वर्ष प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की संस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने के लिए आनंद के एक गांव में एक रात बिताने का निश्चय किया। ग्रामीण भारत के विकास में सहकारी समितियों की क्षमता को देखते हुए उन्होंने आनंद की भावना को सारे देश में फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को NDDB के इस मिशन की कमान संभालने उस यात्रा का नेतृत्व करने के लिए अस्तित्व दिया जो डेयरी उद्योग के जरिए ग्रामीण भारत का परिदृश्य बदलने वाली थी। लेकिन आनंद की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आवश्यकता थी धनराशि की, कुशल मानव संसाधन की, धैर्य और लचीलेपन की, और इन सबसे ऊपर आवश्यकता थी दूर दृष्टि की। और इसका आधार था 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, विकास कार्यक्रम हेतु विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सहायता। सरल योजना, डेयरी वस्तुओं को उपहार के रूप में स्वीकार कर स्थानीय डेयरियों को बेचना और उससे प्राप्त धनराशि का निवेश सहकारी समितियों हेतु दूध प्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। 1996 में ऑपरेशन फ्लड की समाप्ति तक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड ने 300 से अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों को 72,000 ग्रामीण सहकारी समितियों से जोड़ा। बाजारों से जुड़कर दूध लाखों करोड़ों छोटे दूध उत्पादकों के लिए आजीविका का स्रोत बन गया। अधिशेष दूध में मूल्य जोड़ने और बाजारों को विस्तृत करने के लिए NDDB ने नए उत्पादों और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का सिलसिला विकसित किया। NDDB किसान के लिए किफायती समाधान विकसित किए। बढ़ती
जुड़े हुए सहकारी समितियों में मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। 2 दशक से थोड़े अधिक समय में भारत दूध की कमी वाले राष्ट्र से बदलकर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया। 1996 तक भारतीय अर्थव्यवस्था उदार हो चुकी थी। निजी कंपनियां भी अब डेयरी क्षेत्र में पर्यटक बना रही थी। एक नई चुनौती उभर रही थी। प्रत्युत्तर में थी एनडीडीबी की भविष्य का सामना करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति से लैस भावी योजना। रणनीति के 4 भाग थे, व्यापार को मजबूत बनाना, पशु उत्पादकता में वृद्धि लाना, सभी स्तरों पर गुणवत्ता बढ़ाना और बेहतर योजना बनाने एवं निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना। 2010 तक दूध उत्पादन में वैश्विक वृद्धि दर लगातार बढ़ती इस मांग को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने भारत सरकार की सहायता से 2012 में राष्ट्रीय डेयरी योजना मिशन मिल्क की कल्पना की। 15 वर्षीय सीमा के साथ वैज्ञानिक रूप से नियोजित ये बहुराज्य पहल मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा वित्त पोषित थी। अपने पहले चरण में एनडीबी ने वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण के जरिए उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकियों को किसान के दरवाजे पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया और इसका परिणाम उत्कृष्ट रहा है। 2017 तक दूध उत्पादन बढ़कर 16.3 करोड़ टन तक जा पहुंचा। बापूधाम दुग्ध उत्पादक कंपनी का गठन किया गया और दुग्ध उत्पादकों को बाजार की सीधी पहुंच उपलब्ध कराने के लिए चंपारण से दूध प्राप्त किया जा रहा है। डेयरी विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। एनडीडीबी के प्रबंधन के तहत वामूल पश्चिम आसाम दूध संघ लिमिटेड की सफलता को दोहराने के लिए आसाम सरकार ने यामूल पूर्वी आसाम डेयरी उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई एक अन्य योजना है। इसके अलावा क्या था कि हम दूध आयात करते थे, हमारे पास दूध की इतनी प्रोडक्शन नहीं था, अगर हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे कि हम दूध इतना बना सके, हमारे पास इतनी क्या था प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, हमको दूध बाहर से आना पड़ता। तब उस टाइम पे डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड है, उसके वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन था दूध का, वहां से हमें पाउडर बेचते थे दूध। हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास तो दूध का था नहीं। फिर 1965 डेयरी बाग में एनडीबी बना दी, बना दी तो फिर कुछ तो काम का तो करना पड़ेगा। फिर 1970 से 1996 साल तक एक ऑपरेशन स्टडी चली, उसका एक प्रोजेक्ट आया था, जैसे प्रोजेक्ट आता है ना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, जैसे एनडीडीबी उसकी मतलब थे मॉडल एजेंसी थी, उसने एक प्रोजेक्ट चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन थर्ड। उसमें क्या हुआ, जैसे एक ग्रिड बनाई, बड़े बड़े सिटी होते जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े मेगा सिटीज थे उसके कनेक्ट कर दिया, ग्रिड बना दी। जैसे हमारे घर पे कैसे बिजली आती है, ग्रिड बनती है आपके गाँव से, मतलब जो गुवाहाटी जो मेन सिटी वहां पे जाएगी, तो उस तरह से उसने मिल्क ग्रिड बना दी, तो दूध का सप्लाई ट्रांसपोर्ट सब जगह पहुंचने लगा। दूसरी बात उसने किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप किया, डेयरी रिलेटेड जो भी है मशीनरीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है ना ब्रीड कैसे डेवलप कर सकते, अच्छी अच्छी ब्रीड कैसे ला सकते, उस पर ऐसे 3-4 पॉइंट उसमें काम करके धीमे धीमे करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ते गया। ठीक, 1996 में हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तब से हम अभी तक 2022 तक क्या है सेल्फ सफिशियंट है। हम दूध लेते हैं, कहाँ से मिलता है, फार्मर से मिला, ठीक, आप यहाँ पे मिल्क आया, आपने मिल्क यहाँ से दिया यूनियन देखो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, पास्टराइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन जो भी प्रोसेस करता है, फिर उसमें दूध की प्रोडक्ट्स बनाई, आइसक्रीम बनाया, घी बनाया, कुछ भी बनाया, ये हमारा यूनियन आ गया, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई जगह आपके यहाँ अभी कौन सा आसाम है ना, कोपर की कमी तो इंसान, ठीक है, तो पशु को भी थोड़ा टेस्ट को सब कुछ चाहिए ना, भी हमें आलू की सब्जी दे, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है।
अच्छा हमारी एनर्जी भी थोड़ी इस तरह से नहीं बनेगी ना, जो मिथेन है उसका एमिशन कम हो रहा है। मिथेन का गैस क्या हो जो हमारे पर्यावरण होता है ना उसको हानि करता है, तो उसका इसलिए कंट्रोल करने के लिए भी ये काम आया, तो उसका ये और एक फायदा हुआ वातावरण के ऊपर। पौष्टिक में तो फायदा होता ही है, पशु की हेल्थ मिल्क में सब फायदा होता ही है, पर जो बोलते ना सीमन AI करते हो ना, सीमन कलेक्शन करना, ये सब इन डिपार्टमेंट का काम है। अलग अलग ब्रीड डेवलप करना, तो ये पूरा क्या किया तो सांड उत्पादन करना, ठीक है, बुल प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का बुल उसका प्रोडक्शन करना, ये उसका मेन काम है। क्या कर रही है जो मतलब टाटा को जैसे बड़ी एमएस कंपनी उसका जो सीएसआर फंड रहता है ना उसके साथ मिलके एनडीडीबी बच्चों के लिए 45 मिल मतलब जो मिल्क तो आता ही है उसमें विटामिन सेल करते हैं जो बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो रहा है, इसके लिए अच्छा वो 45 बनाते हैं, वो विटामिन सेल करते हैं, न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, तो अभी बच्चों को आंगनवाड़ी में स्कूल में उसको मिल गया, ये भी एक प्रोग्राम एनडीडीबी रन कर रहा है अभी 45।